प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radiouran.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टेक सिटी ओनली ऑन रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, तो टेक सिटी में आज फिर से मैं आप सबके साथ आई हूँ कुछ नया सिखाने। दोस्तों, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और साथ ही में अगर आप म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ है आपकी, तो भी आज का शो आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही समय से हमारे लिसनर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर सॉन्ग किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है ये हमें सिखाया जाए। तो आज अडोब ऑडिशन पर किस तरह से सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कैरियोके के साथ, ये आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए कि अडोब ऑडिशन पर सॉन्ग किस तरह से गाया जाता है आपकी सुरीली आवाज़ में, वो भी कैरियोके के साथ। और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि सॉन्ग को किस तरह से एडिट किया जाता है, यानी कि उसमें एको इफ़ेक्ट या कुछ ज़रूरी इफ़ेक्ट्स वो देने होते हैं, वो किस तरह से दिए जाते हैं, और साथ ही में उसे किस तरह से सेव किया जाता है एक सिंगल फाइल में, ताकि हम दूसरों के साथ उस फाइल को शेयर कर सकें। जी तो आप तैयार हो जाइए। जी तो दोस्तों, चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी है आप सब में ये सीखने की, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी हैं, तो आज मैंने सोचा कि सिखा ही दिया जाए। चलिए, तो मेरे पास विंडो 10 है, अडोब ऑडिशन 1.5 सॉफ्टवेयर मेरे पास कंप्यूटर पर विंडो 10 में इंस्टॉल्ड है। और अडोब ऑडिशन इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। साथ ही में ये भी याद रखिएगा, जब आप अडोब ऑडिशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो अडोब ऑडिशन की स्क्रिप्ट्स भी आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होती हैं। अडोब ऑडिशन का वर्जन है अडोब ऑडिशन 1.5, सिर्फ 1.5 की स्क्रिप्ट्स ही अवेलेबल हैं, इसलिए 1.5 को ही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिएगा। और उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको पेस्ट करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पेस्ट करनी है, ताकि आप स्क्रिप्ट्स को इजीली पेस्ट कर सकें। जी, इस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स हैं। Enter shell folder view items new multi select list box not selected 3/15/2016 136 PM file folder one to one. Enter shell folder view items new. ये स्क्रिप्ट्स पे मैंने एंटर प्रेस किया। audition.jkm ये बहुत सी फाइल्स हैं, इसमें मैं कंट्रोल ए करती हूँ और सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेती हूँ। चलिए, जितनी भी फाइल्स थी ये JZF, जो भी इसने आगे आगे बताया, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्क्रिप्ट्स की ही फाइल्स थी। अब ये कॉपी हो चुकी हैं। अब स्टार्ट मेन्यू लेती हूँ। स्टार्ट मेन्यू पे मैंने UTI लिखा, यहाँ पे आया यूटिलिटीज जॉज 17, इस पे एंटर करती हूँ। यहाँ पर डाउन एरो करने से आपको मिलेगा एक्सप्लोर माय सेटिंग्स, इस पे मैं एंटर कर देती हूँ। NU इस नाम से फोल्डर ओपन हुआ। अब यहाँ पर मैं ये स्क्रिप्ट्स पेस्ट कर देती हूँ। स्टार्ट मेन्यू प्रेस करना है, UTI यानी कि यूटिलिटी का कुछ फर्स्ट कीवर्ड्स लिखने हैं। UTI लिखा, वहाँ पर यूटिलिटी जॉस 17 डेस्कटॉप ऐप मिली, उस पर एंटर किया, और दो या तीन बार डाउन एरो करने पर आपको एक्सप्लोर माय सेटिंग्स मिलेगा, उस पर एंटर करते ही आपको वो फाइल्स पेस्ट कर देनी है। तो जो भी फाइल्स स्क्रिप्ट्स की हमने कॉपी की थी वो सब यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब अडोब एडिशन हम जॉस के साथ बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकेंगे।
चलिए तो अब हमें सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। बेसिकली आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। आप याद रखिए, Adobe audition के साथ बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं। म्यूज़िक तैयार हो सकता है, अलग अलग म्यूज़िक को आप इसमें ऐड करके म्यूज़िक तैयार कर सकते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, सिंपल एडिटिंग की जा सकती है, किसी भी तरह की बहुत काम होते हैं। बट आज हम फोकस करेंगे कि करियोके के साथ सॉन्ग किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कहीं पर भी आप उसे कर सकते हैं। चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ, यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके। न्यू फोल्डर का नाम कट करके मैं यहाँ नाम दे देती हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया, क्योंकि यही गाना आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में गाकर सुनाऊंगी, तो इसलिए इसका नाम मैंने छोड़ दे सारी दुनिया रख दिया है। अब डॉक्यूमेंट्स में ये छोड़ दे सारी दुनिया फोल्डर है मेरे पास, इसे मैं एक तरफ ओपन कर लेती हूँ। यह है एम्प्टी फोल्डर। अब मैं करियोके को यहाँ पर पेस्ट करूंगी। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है करियोके को अरेंज करने की। तो आपने जो भी सॉन्ग गाना है उसका करियोके आपको अरेंज करना है। वो अरेंज करने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, इवन आप Google पर लिख सकते हैं। सपोज आपने लिखा डाउनलोड छोड़ दे सारी दुनिया करियोके, तो आपको कई वेबसाइट्स मिलेंगी, तो आपको ये एक्सप्लोर खुद से ही करना होगा। ज़्यादातर YouTube से भी मिल जाते हैं। YouTube पर ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ कंपनीज ने सिर्फ एक स्थाई और अंतरा ही दिया होता है, बाकी का वो कहते हैं हमसे आप परचेज कीजिए, तो नीचे नंबर भी दिया होता है उन्होंने, तो पहले चेक कर लीजिएगा कि कंप्लीट करियोके है या नहीं। तो कहीं भी किसी भी वेबसाइट से आप अरेंज कीजिए करियोके। अरेंज होने के बाद, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के बाद, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है इसमें उस करियोके को हमें पेस्ट करना है। अब मैं एक तरफ, मेरे पास फोल्डर खुला है, अब करियोके को लाकर यहाँ पेस्ट करती हूँ इसी फोल्डर में जो मैंने नया फोल्डर क्रिएट किया है। जी, छोड़ दे सारी दुनिया, ये करियोके मैंने उठाया, इसे कॉपी करती हूँ, ऑल टैप करके जो पीछे फोल्डर मेरे पास खुला था उसमें पेस्ट कर देती हूँ। चलिए तो अब मैं उस करियोके को यहाँ पर पेस्ट कर चुकी हूँ जो नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया था। ये फाइल का नाम है, करियोके का नाम है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। करियोके हमारे पास ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, अब मुझे अडोब ऑडिशन 1.5 को ओपन करना है। तो डेस्कटॉप पर मेरा वो आइकन है, इसे मैं एंटर करती हूँ। ये खाली नो फाइल लोडेड सब कुछ उसने रीड किया आपके सामने। अब यहाँ से हमें क्लियर है कि अडोब ऑडिशन ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको ये बता देती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसमें बहुत से ट्रैक्स हम एक साथ ओपन कर सकते हैं, बहुत से, मतलब 50, 60, 70, अब कितनी इसकी लिमिट है मुझे नहीं पता, आप कितने भी ट्रैक्स इसमें ओपन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आइडिया लगाइए कि एक पेज पर बहुत सी लाइंस अगर खींची हो, 1, 2, 3 लंबी लंबी लाइंस हो, फर्स्ट लाइन पर एक ट्रैक हो, दूसरी लाइन पर दूसरा ट्रैक हो, तीसरी लाइन पर तीसरा ट्रैक हो, तो जब हम उसे प्ले करें तो सब इकट्ठे प्ले होने शुरू हो जाएं। तो ये कुछ इसी ही तरह का एक लेआउट इसमें होता है, इसे मल्टी वेवफॉर्म कहते हैं, मल्टी ट्रैक
व्यू फॉर्म और एक एडिट व्यू फॉर्म होता है। मल्टी ट्रैक व्यू फॉर्म वही होता है जो इस वक्त खुला है हमारे सामने। उसका हमें आइडिया किस तरह से लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम अप एरो डाउन एरो करेंगे तो ये हमें बोल देगा, देखिए वन पे था, टू नेम, थ्री नेम, फोर नेम, फाइव नेम, सिक्स नेम, ये सब ट्रैक्स हैं, अलग अलग ट्रैक्स हैं, जैसे वन से लेकर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब हम मल्टी वे फॉर्म पर काम कर रहे हैं, इस पर ही हमें करियोके भी रिकॉर्ड करना है। न्यूमेरिक 8 और 9 से मल्टी से सिंगल, सिंगल से मल्टी होता है, तो वो जब मैं साथ साथ में करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा मल्टी वे फॉर्म ओपन है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं वन पर चली जाती हूँ अप एरो के साथ। अब इस वन पर ही रुकी हूँ और मुझे ट्रैक को इंसर्ट करना है कंप्यूटर से ब्राउज करवा के। अब मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ राइट एरो से, इंसर्ट तक पहुँचती हूँ, डाउन एरो करती हूँ, एम्प्टी ऑडियो सब मेन्यू पे नहीं जाने की जरूरत, डाउन एरो किया तो सिर्फ ऑडियो मिला ये वाला, इस पर मैंने एंटर किया। चलिए तो अब मैं यहाँ पर टैप टैप से देखती हूँ कि फोल्डर को मुझे ओपन करवाना है। उस फोल्डर में जहाँ पर मैंने करियोके रखा है उसे ओपन करवाना है बेसिकली। ये कहीं और है, मैं बैक बैक करके इसे डॉक्यूमेंट्स तक ले जाती हूँ, बैकस्पेस प्रेस कर रही हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स तक आया, यहाँ पर सी प्रेस करती हूँ, ये फोल्डर वही वाला है जो मैंने क्रिएट किया था। इस पर एंटर करने के बाद ये डाउन एरो से मुझे मिल गया, छोड़ दे सारी दुनिया। चलिए ये है मेरे सामने ओपन हो चुका है, मैं इसे ब्राउज करवा चुकी हूँ। अब मैं इस पर एंटर प्रेस करती हूँ। चलिए ये करियोके ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट ट्रैक पे करियोके ओपन है, सेकंड से लेकर आगे के जितने भी हैं सब खाली हैं, इन पर कुछ भी ओपन नहीं है। तो अब हमारा सेकंड जो इसमें स्टेप होगा, मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी। अब टू पर मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट पर करियोके है, सेकंड पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है फिलहाल। और आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उसको बताना जरूरी है कि हाँ जी मेरी आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड करो जी। तो उसके लिए मुझे टैब टैब प्रेस करना है, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगी आम, उस आम को मुझे यस करना है, वो नो होगा। टैब टैब प्रेस करती हूँ, मैं ऑलरेडी टू पर हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर वन पर करियोके है तो टू पर अपनी आवाज या थ्री पर अपनी आवाज रखेगा, मतलब वन पर मत रखेगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ट्रैक है हमारा, तो वो फिर ओवरलैप हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। चलिए तो मैं टू पर, चलिए आम मिल गया। आम पर मैं एंटर प्रेस करके यस करती हूँ, एंटर किया, यस बोल दिया। ये यहाँ पर याद रखिएगा स्पेस बार मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बार का मतलब होता है जो भी इस मल्टी ट्रैक व्यू में इंसर्टेड है वो सब प्ले हो जाए, तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपका आम फिर वैसे का वैसा नो ही रहेगा, तो इसलिए प्लीज एंटर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आम वन पर, अब देखिए वो आम पर ही रुका है, अप डाउन एरो से सबका आम ही बताएगा ट्रैक्स का। अप एरो किया, वहां पर ट्रैक था तो वहां पर आम नो है, टू का आम यस है, तो थ्री का भी नो है, ऐसे सभी का नो ही होगा क्योंकि हमने सिर्फ टू का आम यस किया है। नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे गाना कहाँ से शुरू करना है। अब मैं स्पेस बार जैसे ही प्रेस करूँगी तो मेरे पास वो ट्रैक प्ले होना शुरू होगा। याद रखिए अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, जो कुछ भी इस पर है वो सब प्ले होगा। मैं स्पेस बार करती हूँ, ये था
इस तरह से इसने प्ले कर दिया। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है हमारा पूरा जो Adobe Audition का सेशन है वो तैयार है रिकॉर्डिंग के लिए। सेटिंग्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मुझे इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास कैरियोके प्ले होना शुरू हो जाएगा और जो सेकंड ट्रैक पर आर्म हमने किया था वहां पर हमारी आवाज को वो कैच करना शुरू कर देगा। क्योंकि आवाज क्लियर आनी चाहिए इसलिए हेडफोन मुझे लगाने हैं। और याद रखिए कि माइक्रोफोन भी आपको हेडफोन वाले ही यूज करने हैं। आपके माइक्रोफोन और हेडफोन वही यूज हो जो आप चाहते हैं, लैपटॉप के ना हो, एक्सटर्नल हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा वॉइस क्लैरिटी आएगी। तो मैं अपने माइक्रोफोन्स को इंसर्ट करती हूँ। तो अब जॉज की आवाज भी मेरे कान में चली जाएगी ऑब्वियसली। दोस्तों अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह से ये मेरे मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार करूंगी तो मैं गाना शुरू करूंगी, ये मेरे कान में बजेगा और मैं गाती जाऊंगी, मेरे माइक्रोफोन से आवाज को कैच करता रहेगा और जहां पर भी मुझे रुकना है मैं स्पेस बार कर दूंगी, ये रुक जाएगा। तो इससे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी भी आने वाली है और आएगी भी। अगर हम वॉइस को स्पीकर्स पर रखते हैं और माइक्रोफोन भी लैपटॉप वाले ही यूज होते हैं तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आने वाली। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसे रिकॉर्ड कैसे करना है। बहुत से सॉन्ग्स तो ऐसे होते हैं जिनके शुरू में एक पीस होता है, कुछ एक मिनट का या हो सकता है डेढ़ मिनट का हो, हो सकता है 30 सेकंड्स का हो, पर हमने क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड करना है तो हमें ट्रैक को आगे ले जाना होगा। अब वो ट्रैक आगे किस तरह से जाएगा ताकि वो डेढ़ मिनट पर हमारा माइक्रोफोन ऑन ना हो, माइक्रोफोन वहीं से ऑन होना शुरू हो जहां से हमने गाना है। तो ये छोड़ दे, सारी दुनिया में तो इस तरह का नहीं है, बहुत थोड़ा सा पीस है तो उसमें तो शायद ज़रूरत भी नहीं है। चलिए जब हम अंतरे के लिए आगे जाएंगे, क्योंकि अंतरा और स्थाई के बीच में एक गैप है, तो तब ये आपको मैं सिखाऊंगी। बहुत इजी है, राइट एरो के साथ आपको आगे ले जाना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं हेडफोन्स पहनती हूँ और छोड़ दे सारी दुनिया को गाती हूँ ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए जी। तो जैसा भी गाऊंगी बस सुन लीजिएगा इतना कुछ खास नहीं गाती हूँ मैं, गले में दर्द भी बहुत हो रहा है मेरे, पर चलिए फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं छोड़ दे सारी दुनिया की सिर्फ स्थाई ही गाऊंगी, जो कि अभी मैं आपको सुना चुकी हूँ उसका बिगिनिंग पार्ट। हेडफोन मैं पहन चुकी हूँ, माइक्रोफोन मेरे हेडफोन्स के साथ है, तो अब मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करती हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। स्पेस बार से मैंने इसे बंद कर दिया। तो सॉन्ग मेरे कान में बज रहा था, उसी को सुन सुन कर मैं गाती रही, अब स्पेस बार प्रेस किया। तो अब मैं हेडफोन को उतारती हूँ और आपको भी सुनाती हूँ, मैं भी सुनती हूँ कैसा रिकॉर्ड हुआ है। तो ये याद रखिएगा जब भी हम प्ले करेंगे, अभी हमने राइट लेफ्ट एरो कुछ भी प्रेस नहीं किया है और करना भी नहीं है जब तक जरूरत ना हो, हमें सिर्फ स्पेस बार कंट्रोल स्पेस से इसे वो करना है, रिकॉर्डिंग करनी है और स्टॉप करना है। तो अब मैं स्पेस बार से इसे प्ले कर देती हूँ, अब जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर आपको सुन जाएगा। नहीं जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया।
अब यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया था तो इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। तो दोस्तों अब बारी आती है कि हमें अंतरा किस तरह से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बीच में गैप है। अगर मैं उसे ऑन रखूंगी तो मेरे माइक्रोफोन की आवाज़, जैसे कि ये बिगनिंग में भी हल्की सी साएं साएं की आवाज़, तो कुछ ना कुछ कैच हो जाएगा। वैसे आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट करें अपना पूरा गाना, जब ख़त्म हो जाए तो इसे स्पेस बार कर दें स्टार्ट करने के लिए। हाँ, आप कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करें और पूरा गाना चलता रहे, आप उसे सुनते रहें और गाते रहें। जैसे ही गाना ख़त्म हो स्पेस बार करें और आपका गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर जब बीच में गैप्स आते हैं या फिर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अब सपोज़ मुझसे गड़बड़ हो जाती है, अब वैसे तो छोड़ दे सारी दुनिया, अच्छा खासा नहीं गाया मैंने, अब मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है यार, मैं दोबारा गाना चाहती हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसी पर ही कंट्रोल स्पेस दोबारा दबाना है और गाना है, और जब गाना कंप्लीट हो जाता है तो स्पेस बार से उसे बंद कर देना है। और ये याद रखिएगा, उतना ही आपको पार्ट कवर करना है जितना आपने पहले किया था। अगर आप उससे ज़्यादा बहुत कर लेंगे या उससे काफ़ी कम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ट्रैक आगे पीछे हो जाएगा। बस सिंपल है, जैसे आपने पहले गाया वैसे ही आपको दोबारा गाना है, तो वो तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये कंप्लीट है इतना समय नहीं है कि मैं बार बार गाऊं। अब आगे करती हूँ ट्रैक को। अब मुझे अंतरे तक पहुँचना है, बीच का जो गैप है उस पर उसे छोड़ देना है, मतलब उस पर मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं राइट एरो प्रेस करके रखती हूँ कुछ सेकंड के लिए, तो मेरा ट्रैक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करती हूँ, ये बिगनिंग से चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं राइट एरो प्रेस करूंगी, जैसे जैसे ट्रैक आगे जाता जाएगा, स्पेस बार से वो वहीं से चलेगा जहां तक वो आगे हो चुका है। अब मैं इसे आगे करती हूँ राइट एरो से, राइट एरो प्रेस करके रखा है मैंने, कुछ सेकंड हो गए। अब मैं छोड़ देती हूँ स्पेस बार करके, सुनती हूँ कहाँ तक आगे हुआ है। अभी और आगे करना है मुझे, फिर से कर किया और छोड़ा। प्यार सब कुछ नहीं। अभी भी करके रखा है और आगे ले जा रही हूँ राइट है। ये पहुंच गया। अभी और करना है इसका गैप को आगे ले जाना। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो हमारा जहाँ से अंतरा स्टार्ट हो रहा है, अंतरा के जो कुछ बीट्स हैं, दो चार बीट्स आप पहले तक इसे रखिए ताकि आप बीट को पकड़ सकें। हाँ, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ना। अब मैं यहीं पर ही से रखती हूँ, काफ़ी सही जगह पर आ गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी, देखिए। तन से तन का मिलन जी, तो अब मैं हेडफोन लगा के गाती हूँ, क्योंकि इस तरह से गाऊंगी तो आवाज़ देखिए अभी सही नहीं आएगी। ये तो मैं सिर्फ प्ले ही कर रही थी स्पेस बार से, हेडफोन लगाती हूँ और यहीं से गाऊंगी। याद रखिएगा, जब भी मैं इसे प्ले करती हूँ स्पेस बार से ही करती हूँ, और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है तो कंट्रोल स्पेस बार से करती हूँ। हेडफोन अटैच कर रही हूँ, चलिए। तो हेडफोन में आवाज़ आ रही है, तो अब मैं कंट्रोल स्पेस करके वहीं से गाऊंगी, स्टार्ट करती हूँ। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। ओह माय गॉड, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। जैसा भी गाया है, मैं इसे हेडफोन को बाहर निकालती हूँ और
आपको सुनाती हूँ। ये रिकॉर्ड हो चुका है। तन से तन का मिलन हो न पाया तब मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी। चलिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया था। जैसा भी है तो चलिए अब मेरे पास इसकी स्थाई और एक अंतरा रिकॉर्ड हो चुका है। और ये भी याद रखिएगा हमने इसे गैप दिया है बीच में, जो खाली स्पेस थी उस पर राइट एरो से हम आगे ले गए थे अंतरे के बिल्कुल पास, ताकि हम अंतरा अलग से गा सकें। चलिए तो अब आगे का जो पार्ट है इसे भी इसी तरह से ही कंप्लीट कर सकते हैं। राइट एरो के साथ ले जाते हुए कुछ सेकंड रखिएगा, फिर सुनिएगा आप वहाँ पहुँचे कि नहीं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं तो लेफ्ट एरो से पीछे भी आ सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ तो आप इसी को दोबारा भी गा सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार दोबारा से प्रेस कीजिए, दोबारा से गाइए और जहाँ पर आपका ख़त्म होता है स्पेस बार से स्टॉप कर दीजिए, तो पिछला वाला रिमूव हो जाएगा, आगे वाला उस पर प्लेस हो जाएगा। तो पिछला वाला फिर वापस नहीं आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि आगे वाला रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरा उस पर रिकॉर्ड हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। ये कंप्लीट है, यही समझिए कि सॉन्ग कंप्लीट है। इतना ही बहुत है, ज़्यादा तो नहीं गाऊंगी मैं। इसी तरह से आप तो पूरा कंप्लीट कीजिएगा, आप बीच में मत छोड़िएगा। तो अब ये देखना है कि थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए एक और हम इस पे काम कर सकते हैं, जो कई बार ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती है उसकी। कई बार कैरियोके का वॉल्यूम कम होता है या हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सुन रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद है ट्रैक वन पर हमारा कैरियोके इंसर्ट है कि ट्रैक टू पर हमारी खुद की आवाज़ इंसर्टेड है, तो अब हम इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ये देखिए वन आर्म, ये आर्म पर थी पहले, मैं तो वहीं पर ही है। मैं यहाँ पर वन पर आ जाती हूँ, वन पर चाहे आर्म बोल रहा है, मैं इसे टैब के साथ, शिफ्ट टैब के साथ देखती हूँ कहाँ पर वॉल्यूम है। नहीं, टैब से देखती हूँ इस पर वॉल्यूम कहाँ है। ये वॉल्यूम मिल गया, तो ये मेक श्योर कि आप ट्रैक वन पर हो। वन वॉल्यूम अपैरो से चेक किया था मैंने, एंटर कर देती हूँ। राइट लेफ्ट एरो से रीड कर रही हूँ, बिल्कुल जीरो लिखा है यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा। तो इसे हम माइनस कर सकते हैं, जैसे माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस टू, माइनस वन। तो बहुत कम, अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो माइनस वन लिखिए, ज़्यादा करना है तो टू लिखिए, बहुत ज़्यादा करना है तो फिर माइनस फाइव सिक्स ले जाइए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ इसका, क्योंकि मेरी आवाज़ के हिसाब से थोड़ा सा करियोके शायद कम लग रहा था। मैं इस पर सिंपल जीरो को कट करके थ्री लिख देती हूँ, एंटर करती हूँ। अब देखती हूँ वन का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी लिख सकती हूँ, ताकि वो और बढ़ जाए। अपनी आवाज़ का कम करना है, चलिए तो फिर वो ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मैं अपनी आवाज़ ही कम कर देती हूँ। डाउन एरो करती हूँ तो इसने बोला है वॉल्यूम टू। टैब से हम ऑलरेडी वॉल्यूम पर थे, तो अब डाउन से सब पर वॉल्यूम वॉल्यूम ही दिखाएगा। अब वॉल्यूम टू पर एंटर करती हूँ, ये भी जीरो है, तो इसको हम कम कर देते हैं, माइनस थ्री कर देते हैं। चलिए एंटर किया, अब स्पेस बार से सुनते हैं।
थोड़ा कम लग रहा है, हुआ है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये माइनर माइनर चेंजेस हैं जो हमें एडजस्ट करने होते हैं अगर आप ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगला स्टेप आता है कि हमें इसे एडिट कैसे करना है, फिर सेव कैसे करना है, फाइनल स्टेप। जी तो दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से Adobe ऑडिशन पर वॉइस को एडिट किया जाता है और उसे एक सिंगल फाइल के रूप में सेव किया जाता है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस फाइल को शेयर कर सकें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेकसिटी में। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम टेकसिटी में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप म्यूजिक लवर हैं, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस के मालिक हैं, तो आप इस ट्यूटोरियल को ज़रूर सुनेगा। ये ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल मिलेंगे। तो हम सीख चुके हैं कि Adobe ऑडिशन 1.5 के साथ किस तरह से हमें कैरियोके के साथ अपनी वॉइस देकर सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। तो हम कैरियोके इंसर्ट करवा चुके हैं, आम यस करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। अब हमें ये सीखना है कि हमें जो हमारी वॉइस है उस पर कुछ इफ़ेक्ट्स किस तरह से देने हैं। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कहाँ से चूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो व्यूज़ होते हैं, एक मल्टी ट्रैक व्यू और एक एडिट व्यू होता है, एडिट वे फॉर्म, जो कि 8 और 9 के साथ चेंज होते हैं। मैं यहाँ पर 9 प्रेस करती हूँ। 9 से मल्टी व्यू आता है जिस पर हम ऑलरेडी हैं, और 8 के साथ एडिट वे फॉर्म आता है जिस पर हमें अब जाना है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस ट्रैक में वॉल्यूम एडजस्ट कर चुके हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं 8 प्रेस करूँगी ताकि मैं एडिट वे फॉर्म तक पहुँच सकूँ। एडिट वे फॉर्म ट्रैक 2 खुल चुका है मेरे पास। तो दोस्तों, अब ये वही ट्रैक खुला है जहाँ पर मैं लास्ट में थी। हाँ, ये है कि अब हम हर ट्रैक को अलग अलग सुन सकते हैं बिना म्यूजिक के, और सब कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग सिर्फ आप उसमें इफ़ेक्ट्स डालकर ही कर सकते हैं, कुछ कट वट नहीं कर सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रैक के साथ इस तरह की किसी भी तरह की गड़बड़ हो जाती है, ट्रैक कट हो जाता है, तो वो आपकी कैरियोके के साथ मैच नहीं खाएगा। तो अब यहाँ पर कंट्रोल टैब से हम उन सभी ट्रैक्स पर जा सकते हैं जो हमारे पूरे सॉन्ग को तैयार करने में बने हैं। और अब एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब हमने राइट एरो प्रेस किया था, जैसे सपोज मैंने स्थाई गाई, वो एक ट्रैक बना, उसे मैंने रोक दिया क्योंकि स्थाई गाने के बाद जो गैप था अंतरे तक, उसे हमने निकाला था उसे, तो वो एक ट्रैक बना स्थाई का। फिर मैंने राइट एरो के साथ आगे ले गई अंतरे तक, और वहाँ पर जब मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया तो वो दूसरा ट्रैक बन गया। अब जो मेरा सॉन्ग है वो 2 ट्रैक्स में रिकॉर्ड हुआ है, तीसरा तो हमारा कैरियोके है ही। तो अब हमें कंट्रोल टैब से वो सभी ट्रैक्स दिखेंगे। अगर आप सपोज वहाँ पर उसका अगला पैरा भी रिकॉर्ड कर देते सॉन्ग का, तो वो तीसरा ट्रैक बन जाता।
और ये भी आपको बताऊं कि अगर आप पूरे सॉन्ग को एक ही टेक में रिकॉर्ड कर देते हैं, सिंगल टेक लेते हैं, कहीं भी राइट एरो लेफ्ट एरो नहीं करते और सॉन्ग सिंपल गाते हैं, तो सिर्फ एक ही ट्रैक बनेगा। ये दो तब बनते हैं या तीन तब बनते हैं जब हम राइट एरो के साथ उसे आगे ले जाते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से उसे रिकॉर्डिंग के लिए बताते हैं कि यहाँ से रिकॉर्ड करना है। तो हमारा तो दो था, इसलिए अब मैं इसे कंट्रोल टैप करके आपको सुना देती हूँ। ये ट्रैक टू, ये मेरा कैरियोके है, ट्रैक टू टू, फिर से ट्रैक टू आ गया। तो जो ट्रैक टू है वो फर्स्ट वाला है, ट्रैक टू टू है वो सेकंड वाला है। तो अभी मैं ट्रैक टू के ऊपर हूँ, कंट्रोल टैब से ट्रैक टू के ऊपर आकर रुकी हूँ। अब मुझे इस पर इफेक्ट देना है, हल्की सी एको दे देती हूँ या कुछ भी आपको बता देती हूँ कि इफेक्ट किस तरह से दिए जाते हैं। बाकी के इफेक्ट्स आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि लेने वहीं से ही हैं और बहुत से इफेक्ट्स हैं, सभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं स्पेस बार करके। हम यहाँ पर वही तरीके से सुनेंगे स्पेस बार से। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये वही है। इसमें बस आपको वो बैकग्राउंड पे वही आवाज़ सुन रही है, हल्की सी कैरियोके की। तो ये थी वो फर्स्ट ट्रैक की आवाज़। अब मैं यहाँ पर मेन्यू लूँगी, ऑल्ट प्रेस करके राइट एरो से इफेक्ट मेन्यू तक जाऊँगी। चलिए, तो डाउन एरो से अब ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मुझे मिलेंगे। तो जो हमने एको का देना है इफेक्ट, वो डिले के अंदर होता है, डिले सब मेन्यू इसने बोला है। इसके अंदर मैं राइट एरो करती हूँ, कोरस, कोरस के साथ तो आप जानते हैं चार, दो चार आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक दो इफेक्ट्स बता दूंगी, बाकी के वही सेम प्रोसीजर है, आप किसी भी एंटर करें उसी तरीके से इफेक्ट्स दें, जो पसंद आता है रखें, नहीं पसंद आता है तो अनडू करके दोबारा से नया इफेक्ट दे दें। अब मैं डाउन एरो करती हूँ, ये डाउन डाउन एरो से मुझे मिला एको। तो चलिए हल्का सा एको दे देते हैं इसे, एंटर करती हूँ एको पर। तो इसने ये कुछ परसेंटेज बता रहा है। यहाँ पर मैं एक बार शिफ्ट टैप करूंगी और मैं ढूंढूंगी कि वो एको की लिस्ट कहाँ है। ये हमें कुछ नहीं छेड़ना है, ये बहुत सी नंबरिंग होती है राइट चैनल लेफ्ट चैनल की, तो इस पर ज्यादा हमें नहीं जाना है। ये भी नहीं, ये दो बार शिफ्ट टैप करने से राउंड अबाउट हमें वो मिलेगा। ये इसने अब ये राइट लेफ्ट एरो से सारी लिस्ट मुझे मिलेगी, ये 1950 स्टाइल एको, 50s शीन, ये ऑडिटोरियम की तरह आवाज मिलेगी आपको, कैनन, चीप स्प्रिंग्स, ड्रेन पाइप, लाइट एको हॉल, मिड टोन्स, मोनो वोकल्स वन, बहुत से हैं। तो चलिए मैं फिर मोनो वोकल्स वन के साथ ही चलती हूँ। हाँ, ये आपको बता देती हूँ कि आपको ट्राई करना है, प्रीव्यू लेना है कि आपकी वॉइस कैसी लग रही है, वो चेक करने के लिए, क्योंकि अब मैं मोनो वोकल वन तक पहुँची हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये रखती हूँ। अब मैं इसे सुन लेती हूँ कि कैसा लग रहा है, अगर तो अच्छा लग रहा होगा तो मैं इसे ओके करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। शिफ्ट टैब के साथ प्रीव्यू पर जाऊंगी। ओके के ऊपर प्रीव्यू मिला, प्रीव्यू पर स्पेस बार करते हैं, एक सुन लेते हैं इसका डेमो। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम। चलिए स्पेस बार से स्टॉप किया मैंने, ये एको इसमें डल गया। अब मैं इसे टैप करती हूँ और फिलहाल के लिए ओके कर देती हूँ। चलिए ठीक है, चलेगा। अब ये हो रहा है, कुछ सेकंड तक हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इस पर और भी कितने भी इफेक्ट दे सकते हैं, वहीं से एको का कोई, अभी एक एको दिया है तो कोई और एको दे सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि गलत दिया गया है तो आप इसे अनडू करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए सेव हो चुका है, मैं स्पेस बार से सुन लेती हूँ।
छोड़ दे। अब मैं एक बार आपको अंडू भी करके बता देती हूँ, वो हट जाएगा अभी अभी के लिए, ये इस ट्रैक पर ये एको डल गया है तो वापिस आ गया, अब नहीं है। छोड़ दे। अब मुझे वापस लाना है वही वाला, तो मैं चाहे तो वहां से इफेक्ट्स मेन्यू में जाकर वापस डिले में एको में जाकर फिर से वही मोनो वोकल वन पे कर सकती हूँ। तो याद रखिए इसमें रीडू नहीं होता, ट्राई किया था नहीं वर्क किया, तो अब मैं इस पर इसे दोबारा से इफेक्ट दे देती हूँ वही वाला जो पहले दिया था। चलिए इस बार मोनो वोकल टू दे देते हैं, यहाँ पर राइट एरो के साथ टू है तो ये देख लेते हैं, रिव्यू से सुन लेते हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के। जैसा भी है फिलहाल मैंने ओके कर दिया, अब ये इसे सेव कर रहा है। तो अब मैं चाहूँ कि मुझे बैकग्राउंड वॉइस लग रही है, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक बता देती हूँ क्योंकि कई बार वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पीछे से साएं साएं की आवाज़ आती है। तो मैं मेन्यू प्रेस करती हूँ, इफेक्ट तक जाती हूँ राइट एरो से, डाउन डाउन एरो से, डाउन एरो से मुझे मिला नॉइज रिडक्शन, यहाँ पर बहुत से हैं। मैं डाउन एरो से हिज रिडक्शन है, नॉइज रिडक्शन है, तो अब हिज तो होता है वो की जो आवाज़ आती है, तो फिलहाल हम हिज रिडक्शन के साथ ही हिज रिडक्शन के साथ चलते हैं। वही ज़्यादातर सबको तंग करती है, तो मैं दो बार शिफ्ट टैब इस पर एंटर करने के बाद दो बार शिफ्ट टैब करती हूँ तो राइट लेफ्ट एरो से अब मैं रीड कर रही हूँ, लाइट हिज रिडक्शन, हाई हिज रिडक्शन, ये सब है। तो मैं लाइट के साथ चलती हूँ, अब शिफ्ट टैप करके ओके के बाद कुछ ऑप्शन थी, तो चलिए उसे मैंने फिर से शिफ्ट टैप करके प्रीव्यू तक आई, अब स्पेस बार से प्रीव्यू सुन लेते हैं। काफी हट गई है हिसिंग साउंड। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई। चलिए काफी हट गई है, बट ये तभी के लिए जब जरूरी हो, वैसे इस क्लिप में इतनी खास जरूरत नहीं थी बट आपके लिए मैंने फिर भी बताया। अब ये मेरे ऑलमोस्ट इफेक्ट्स डल चुके हैं, एको डाला है, मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाती हूँ, उसमें बहुत कुछ है ताकि आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सकें। ज़्यादातर डिले इफेक्ट्स में इफेक्ट्स आपको मिलेंगे जो वॉइस को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, कोरस डिले इसमें भी बहुत से हैं, डायनामिक डिले इसमें भी बहुत से मिलेंगे, तो आप ट्राई करके प्रीव्यू करके सुनते रहें। कुछ एम्बर फ्लेंजर फुल रिवर्ब, ये रिवर्ब भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। रिवर्ब पर एंटर किया, दो बार शिफ्ट टैप किया, कंसर्ट हॉल ओके, क्रिस्प मार्शन एको, तो अलग अलग इन्वायरमेंट हमें दे देगा वॉइस को। छोड़िए मैं इसमें से कोई नहीं करने वाली, तो आ गई आवाज मेरी वैसी, और कुछ बन जाएगा उसका। चलिए तो आप कर सकते हैं किसी पर भी जो आपको पसंद आए, प्रीव्यू करके सुन लीजिएगा जैसे पहले हमने सुना, पसंद आए तो ओके कीजिएगा, अदरवाइज स्केप कर दीजिएगा। चलिए तो अब एक ट्रैक तो ऑलमोस्ट तैयार है जो हमें हमारा ट्रैक टू था। अब मैं कंट्रोल टैब करके कंट्रोल टैब किया तो ट्रैक टू टू मिला, हमारे दो ट्रैक्स थे। यही सब इफेक्ट्स जो आपने ट्रैक वन पे दिए थे वही सब इफेक्ट्स ट्रैक टू टू पे भी देने होंगे। जितने भी ट्रैक्स इस तरह से हमें हमारे बनेंगे, आप पहले उसे सुन लीजिएगा कि कितने ट्रैक्स बन चुके हैं, वही सब इफेक्ट्स उन पर भी देने हैं। तो अब एक बार इसे भी सुन लेते हैं, अब ये बिना इफेक्ट्स का है।
वेतन का मिलन हो न पाया तो क्या। ये था तो ये कैरियोके के बिना सभी ट्रैक्स हम सुन रहे हैं एडिट वेवफॉर्म में, ताकि हम एक एक ट्रैक के साथ एडिटिंग कर सकें। अब यहाँ पर मैं इसे वही इफेक्ट्स दे देती हूँ। एक तो हमने हिस रिमूवल दिया था और एक एको दिया था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप हिस रिमूवल दें या बाद में वो दें, तो जो आपको ठीक लगता है सुनकर देखिए, जो सुनकर अच्छा लगता है बस वही कीजिएगा और सभी इफ़ेक्ट्स को ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि हर किसी की वॉइस पर, हर किसी के माइक्रोफोन के हिसाब से ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये बेटर वर्क करते हैं। हो सकता है मेरी इस माइक्रोफोन पे मुझे मोनो वन सूटेबल था, जो आपका माइक्रोफोन है उस पर मोनो टू सूटेबल हो, या फिर कोई और हो, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट कोई और हो तो हमें वो सूटेबल होगा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही सब रखें, आप अपने हिसाब से उसे ट्राई कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो रखिए। तो चलिए अब इस पर हम मोनो टू वाला और एक वही वाला सेम हिस रिमूवल वाला, जो मैंने लाइट हिस रिमूवल दिया था, वो दोनों इस पर मैं दे देती हूँ जल्दी से। मोनो वोकल्स टू दिया था हमने, फिर एंटर करती हूँ। सुनने की जरूरत नहीं, मुझे पता ही है। अब मैं एक हिस रिमूवल भी दे देती हूँ, जो मैंने उधर दिया था। हिस रिडक्शन पे एंटर करती हूँ। Reducing this level dialog. Estimated time remaining 2 seconds. 13% copyright 1996-2004. Adobe Systems Incorporated. Working .. Cancel button. Reducing this level. End waveform. New track 2 star. अब इसे भी सुन लेते हैं, वैसी ही आवाज आएगी इसकी भी। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन को। चलिए तो अब हमारे दोनों ट्रैक्स कंट्रोल टैब से। Track 2 star. Short is already lower pitch .mp3. Track 2 star. ये दो ट्रैक्स और एक कैरियोके ये यहाँ पर ऐसे इंसर्टेड थे। अब हम वापस जाएंगे उसी मल्टी ट्रैक व्यू वेवफॉर्म पर। मैं 9 प्रेस करूँगी क्योंकि अब हमारी एडिटिंग भी ऑलमोस्ट डन है, तो मैं 9 प्रेस करके। चलिए तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब स्पेस बार के साथ मैं सॉन्ग को सुनूंगी कि किस तरह से लग रहा है कैरियोके के साथ। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। हिस रिडक्शन थोड़ा अभी ज़्यादा लग रहा है, तो अगर मुझे उसको हटाना हो तो मैं वहीं पर जाऊंगी और अंडू करके उसे हटा देती हूँ। इससे भी हटा दिया, इससे भी, दोनों से हट गया। छोड़ तो ये हट गया है। अब मैं, मुझे वो नहीं ठीक लग रहा, इसलिए इस पर मैं फिर से 9 प्रेस करती हूँ। अब सुनती हूँ। अब ठीक ये है। तो इस तरह से हमने रिकॉर्ड किया तो ये बना। बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सी इसमें करेक्शंस की जा सकती हैं, हिस रिडक्शन, नॉइज़ रिडक्शन, इवन कुछ पार्ट साइलेंट करना हो या कोई ट्रैक हमें म्यूट करना हो, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। पर एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए जितना कुछ ज़रूरी था वो मैंने आपको आज अभी बताया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि हमें इस पूरी जो क्लिप है इसको सेव किस तरह से करना है। वो भी थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको सीखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ गड़बड़े हो जाती हैं ज़्यादातर।
तो वो भी हम सीखेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो उड़ान प्रोग्राम टेक सिटी मेरे यानी ज्योति मलिक के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में एक बार फिर से। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टेक सिटी ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों आज हमने सीखा अडोब ऑडिशन 1.5 को यूज़ करते हुए किस तरह से कैरियोके के साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हम उस पड़ाव तक पहुँचे हैं जहाँ पर हमें सीखना है कि सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद उसमें ज़रूरी इफ़ेक्ट्स डालने के बाद उसे सेव किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें ऑल्ट प्रेस करती हूँ, राइट एरो से एडिट में गई, डाउन एरो से मिक्स डाउन टू फाइल सब मेन्यू तक जाना है। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करती हूँ क्योंकि ये जब जो सारी फाइल्स हैं ये एक फाइल में मिक्स डाउन हो जाएंगी, एक फाइल बन जाएगी, ठीक है। हमें ऑल ऑडियो क्लिप्स को मिक्स डाउन करना है। अब ऑल ऑडियो क्लिप्स पे मैं एंटर करती हूँ। चलिए इसे यस कर देते हैं। अब जो सेशन था उसे हमने सेव नहीं किया था, अब ये पूछ रहा है कि जो सेशन हमारा बना है अडोब ऑडिशन का इसे आप सेव करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सेव करना चाहते हैं। अब इस पर मैं यस पर स्पेस बार करूंगी तो ये पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। अब ये याद रखना है कि इस सेशन को हमें वहीं सेव करवाना है जहाँ पर हमारा वो फोल्डर बना था जिस पर हमने हमारा कैरियोके पेस्ट किया था और उसे इंसर्ट भी करवाया था, आपको याद होगा। तो चलिए मैं वही पाथ उसको देती हूँ। ये म्यूजिक में हो रहा है, मुझे म्यूजिक में नहीं करवाना। बैकस्पेस करते हुए डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर मुझे मिलेगा छोड़ दे सारी दुनिया था डॉक्यूमेंट्स में, ये एंटर करते हुए इस पर मैंने पाथ दे दिया सेव इन पे, इसने बोल दिया शिफ्ट, दो बार शिफ्ट टैप करके इसने मुझे बताया सेव इन छोड़ दे सारी दुनिया। तो अब ये करेक्ट लोकेशन है। यहाँ पर आप ऑल्ट एस भी कर सकते हैं कहीं पर भी, फिलहाल हम स्पेस करते हैं, सेव पर स्पेस कर बार कर देती हूँ। अब वो सब कुछ सेव करने को बोलेगा तो मैं इसको भी यस करूंगी। अब ये पूछेगा कहाँ पर सेव इन, बिल्कुल सेव इन छोड़ दे सारी दुनिया, तो ऑल्ट एस करके इसको भी यस करना है। यहाँ पर हो सकता है यस टू ऑल हो, ये राइट एरो से यस टू ऑल करती हूँ। तो अब यहाँ पर ये मेक श्योर कि छोड़ दे सारी दुनिया में
ही हो, जो फोल्डर हमने बनाया उसी में ही हो, तो उसी में ही हो रहा है। अब मैं ऑल्ट एस कर रहा हूं। सेविंग वाफ डेटा डायलॉग एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग 1 सेकंड 23% विद ओसीसीएम वाफ फॉर नेटवर्क डॉट डॉट कैंसिल बटन सेविंग वाफ डेटा टेस्ट मल्टीट्रैक यूआर टाइटल डॉट सेस ट्रैक टेबल वॉल्यूम क्रिएटेड मिक्स डाउन डायलॉग एस्टिमेटेड टाइम। अब वो मिक्स डाउन क्रिएट कर रहा है। कैंसिल बटन क्रिएटेड मिक्स डाउन एंड वेट फॉर न्यू मिक्स टू स्टार्ट मल्टी स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड 4.19 सेकंड्स वेट फॉर बिगिनिंग। जी तो ये हमारा मिक्स डाउन बन गया। अब ये मिक्स डाउन भी क्रिएट हो चुका है, अब इसे भी हमें सेव करना है, तो इसके लिए अभी मैं कंट्रोल एस करूंगी। वही छोड़ दे, सारी दुनिया में ही सेव होगा ये मिक्स डाउन नाम से। जी तो ये मिक्स डाउन जो फाइल है मेरे उस पर सेव हो चुकी है और ये अभी WAV फाइल में सेव है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वाव में ना करके MP3 में भी कर लें, तो उस वक्त आप टैब से चूज़ कर सकते हैं MP3। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, अभी सेव एज करके हम MP3 में भी कर लेते हैं। अभी ये एडिट वे फॉर्म में वही फाइल खुली है मेरे सामने। ये याद रखिएगा इसी स्टेप पर ही होगा, अदरवाइज़ ये मिक्स डाउन क्योंकि क्रिएटेड है, तो जिस तरह से हमने मिक्स डाउन क्रिएट किया था वो सब आपको करना पड़ेगा। ये आप उसी वक्त ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मिक्स डाउन पर मैंने कंट्रोल एस किया और वहाँ पर अब ये फाइल सेव होने के लिए है। छोड़ दे सारी दुनिया में सेव हो रही है। mixdown.wav फाइल नेम है इसका। ये मिक्स डाउन वही फाइल है जो एक फुल फ्लेज्ड फाइल आपके सॉन्ग की जो सेव होने वाली है। तो अब इसे आप वाफ में भी कर सकते हैं, ऐसे वाफ में कीजिए ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जैसे हमने की है। और इसके अलावा आप MP3 में भी कर सकते हैं। से ढूंढा, अब इसे मैं MP3 में सेव कर MP3 जो है वो लोअर फिडेलिटी होता है, तो जो WAV फाइल है वो काफ़ी हैवी फाइल होती है, ओरिजिनल फाइल होती है, तो इसलिए वो कहता है कि उसमें ही सेव करें तो ज़्यादा बेटर, अगर आप क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो। चलिए तो अब ये MP3 में भी सेव हो चुका है। अभी हमारी फाइल छोड़ दे सारी दुनिया में सब कुछ सेव्ड है। अब इसे मैं एक बार बंद करती हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया के अंदर मिक्स डाउन MP3 मिक्स डाउन ये सब फाइल्स हैं। इसमें मिक्स डाउन जो MP3 है ये हमारी फाइल है जो सॉन्ग बनकर पूरी एक कंप्लीट फाइल तैयार हुई है। आगे कर रही हूँ उसे। तो ये हमारी फाइल तैयार है और आपको याद होगा कि मैंने स्थाई और एक ही अंतरा गाया था। तो दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं या अगर मैं अब चाहूँ कि मैं इसमें लास्ट वाला अंतरा भी गा दूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही गाया था, या कुछ उसमें ऐड करना हो या कुछ भी हो, आप एक बार सेव कर लें तो उसके बाद आप चाहते हैं कि आप उसमें दोबारा ऐड कर लें, जो कि हो सकता है, पॉसिबल है वही, तो अब मैं आपको बताती हूँ वो भी हो सकता है। जल्दी से एक उस पर भी लुक डालते हैं। उसी फोल्डर में जाती हूँ क्योंकि हमने सारी फाइल्स उसी में ही सेव की थी। untitled.cs के नाम से एक फाइल यहाँ पर सेव है। ये वही सेशन है जिसे हमने सेव किया था, ये अडोब ऑडिशन में ओपन होने वाला है। तो जो जो फाइल्स वहाँ पर इंसर्टेड थी, जो जो एडिटिंग उस वक्त की गई थी और वो सेव कर दिया गया था, वैसा ही आपको वहाँ पर मल्टी ट्रैक में ये मिलेगा।
अब मैं untitled.cs पर एंटर करती हूँ. तो अब ये ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, कुछ समय लेगा. हो सकता है कोई फाइल इसे ना मिले तो वो आपसे पूछे. ये ओपन हो चुका है. जब अप डाउन से वन और टू बोलना शुरू कर दे, अगर बाय चांस कई बार नहीं करता वन टू बोलना शुरू, तो आप नाइन प्रेस कर सकते हैं. नाइन प्रेस करने से मल्टी ट्रैक में आ जाता है. कई बार होता है कि हमने एडिट में ही सेव कर दिया, तो वो ओपन करते एडिट व्यू में होता है. नाइन प्रेस करके आप उसे मल्टी में ले आ सकते हैं. अब मैंने दो अंतरे गाए थे, अब मैं यहाँ पर ये बिगनिंग से है, अब मैं राइट एरो करके रखती हूँ, उसे थर्ड सॉरी सेकंड अंतरे तक ले जाती हूँ, वहाँ पर रोकती हूँ और हेडफोन लगाकर उसे गा देती हूँ, और फिर से वही इफेक्ट्स देती हूँ जो मैंने पिछले दो ट्रैक्स को दिए थे. एट प्रेस करने के बाद कंट्रोल टैब से उस ट्रैक को लोकेट करके उसमें वही इफेक्ट्स दे देती हूँ और उसे मिक्स डाउन कर देती हूँ. मिक्स डाउन टू ऑल, ये याद रखिएगा. मिक्स डाउन सब मेन्यू पर हमने ऑल फाइल क्लिप्स पे क्लिक किया था, फिर उसे सेव कर देती हूँ. छोड़ दे सारी दुनिया में ही सेव करना है, जो कुछ भी करना है, तो उसे मिक्स डाउन को सेव करती हूँ, तो जो मेरा थर्ड अंतरा था वो भी बीच में ऐड हो जाएगा और फिर एक फुल फ्लेश्ड फाइल तैयार हो जाएगी. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, या कई बार हम सोचते हैं कि एक पैरा गा दिया, अब कोई गेस्ट आ गए, चलिए अब कल गाएंगे दूसरा. तो आप ये काम कर सकते हैं. बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है. उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जो स्वप्न था एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का, वो ज़रूर पूरा होगा. आज के एपिसोड में इतना ही काफ़ी है जी. तो दोस्तों, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और अब आप अपनी वॉइस में ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर सेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. मैं जानती हूँ बहुत सी कन्फ्यूजन्स आपकी होने वाली हैं, पर कन्फ्यूजन्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जब खुद से सॉल्व नहीं होती, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नहीं आपको समझ आता, तो आप हमें mail@radioudaan.com पर लिख सकते हैं. हाँ, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कन्फ्यूजन्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जब किसी सॉफ्टवेयर के बेसिक्स नहीं पता होते तो ऑब्वियस है कि हम उसे ऑपरेट करना हम नहीं जानते हैं, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. तो अब आप इतना तो सीख चुके हैं कि आप इसे खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं और एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक क्या बहुत से सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो अपनी कन्फ्यूजन्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए. मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मैं उसे सॉल्व कर सकी तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी जी. तो मुझे यानी ज्योति मलिक को आज के लिए दीजिए इजाज़त. अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी आपको प्रोग्राम टेक सिटी में, और इस शो को फीडबैक देना मत भूलिएगा. radioudaan.com पर जाइए, फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए, और साथ ही में आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर @radioudaan को फॉलो कर सकते हैं, रेडियो उड़ान का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें अपना नंबर mail@radioudaan.com पर सेंड कर सकते हैं. और साथ ही में रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे पुराने शो वहाँ से सुन सकें. कोई शो आपको नहीं मिलता है तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट आर्काइव का एक छोटा सा फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए, आपको शो प्रोवाइड कर दिया जाएगा. चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान. अगला शो आपके लिए बिल्कुल तैयार है. मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत. अगले सप्ताह आपको मिलूंगी प्रोग्राम टेक सिटी में कुछ नया सिखाने के लिए. और हाँ, ये भी आपको याद दिलाती चलूं कि अगर आप कुछ नया सीखना भी चाहते हैं तो आप हमें mail@radioudaan.com पर लिख सकते हैं. और अगर आपके पास कुछ सिखाने के लिए है, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, तो वो भी आप रेडियो उड़ान के साथ साझा कर सकते हैं. हम आपकी आवाज़, आपकी नॉलेज हमारे लिसनर्स के साथ साझा करना अपना कर्तव्य समझते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. गुड नाइट, शुभ रात्रि.